तो हैरत होती है कि जब हम बलूचिस्तान में, मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूं, मेरे कितने साथी, मेरे स्टूडेंट्स दोस्त कितने, मैंने उनकी लाशें पाकिस्तानी इन्हीं दहशतगर्द और शिद्दत पसंद आर्मी के मुझे लौटाई हैं। उनकी चेहरे भी देखने पहचानने के लायक नहीं थे, उन पर तेजाब फेंक दी गई उनकी लाशों पे, उनको ड्रिल किया गया। तो और वही आर्मी आज कनाडा में असाइलम लेकर फैसिलिटाइज की जा रही है उनको कैनेडियन हुकूमत की जानिब से, जो आर्मी हमारे घर में घुसकर हमें मार रही है, हमारे औरतों के साथ रेप कर रही है, हमारे बच्चों को उठा रही है, उस आर्मी को वो यहाँ पे पना दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं ताकि वो और काबिल हो जाए हमें मारने के। जो आर्मी 1970 को बांग्लादेश में वार क्राइम्स में मुलव्वस रही है, जेनोसाइड में मुलव्वस रही है, लाखों बंगाली औरतों की असमत दरी करने में मुलव्वस रही है, वही आर्मी वो 1947 से 1948 से बलूचिस्तान में कर रही है, वही वार क्राइम, वही जेनोसाइड, वही इज्तिमाई कब्रें, वही हमारी औरतें गांवों में घुसकर औरतों को हेलीकॉप्टर के जरिए उठाकर उनको अपने आर्मी टॉर्चर सेल में रखकर उनको सेक्स स्लेव के तौर पर यूज कर रही है, वही मुसलमान आर्मी, इकरा खालिद की मुसलमान आर्मी जिसे वो तहफ्फुज देना चाहती है। मैं एक विक्टिम के तौर पर यह समझती हूं कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर ये बिल पास की गई, न सिर्फ ये कनाडा के मुसलमानों के लिए बल्कि दुनिया के इंसानों के लिए एक जहर साबित हो सकती है, और मैं समझती हूं कि पाकिस्तान के हाथ मजबूत जो कोई भी करे, मैं समझती हूं कि बलूच जेनोसाइड में उसका बराबर का हिस्सा है। थैंक यू।